अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है हमने प्रिंट स्टेटमेंट पढ़नी है, पेज नंबर 36 जो है ओपन कर लें आप लोग। मार्किंग आपको सामने नज़र आ रही है, उसको इसी तरह से आपने मार्क करना है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, और आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है एक आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है। कल हमने इनपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो उससे हम यूजर से डेटा ले रहे थे, और एक प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है। वैसे तो हमने पीछे जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं या जितने भी इसके हम देखते आए हैं, हम हर एक एक प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट लाजमी यूज करते हुए आए हैं। हम देखते थे कि जब भी हमने अपनी आउटपुट शो करानी होती थी, तो हम कौन से स्टेटमेंट यूज कर रहे होते थे, प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते थे। अब बेटा इसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। तब तक मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आप ये याद रखें कि हम प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं सिर्फ आउटपुट को शो कराने के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली यूज किस लिए होती है, किस तरह से यूज की जाती है, और किन किन तरीकों से हम उनको यूज कर लेते हैं। क्योंकि ये आउटपुट स्टेटमेंट है, तो आपको पता है कि ये क्या करेगी, रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए या आउटपुट शो कराने के लिए जो है हमें यूज होगी हमारे पास। बेसिक में जब भी हमने आउटपुट शो करानी होगी, तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, और ये तकरीबन हर प्रोग्राम में जो है आपके पास यूज हो रही होती है। प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसको लिखने के दो तरीके हैं। उसके लिए बेटा आपको कल वाला लेक्चर जो इनपुट स्टेटमेंट है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रिंट स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह हमने कल उसमें काम किया था या उससे रिलेटेड भी अगर हम काम करें तो वो आपस में मिलता जुलते एक काम है जरा, ठीक है। जी बेटा, प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट का कीवर्ड लिखते हैं लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, ये लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन बेटा वो चीज है जो आप इन्वर्टेड कॉमास में, या एक स्ट्रिंग है या प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, और इसमें लिखी गई जो भी बात होगी वो सेम एज इट इज आपके जो स्क्रीन है उस पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये एक क्या है, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, कि आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाने वाली कोई भी स्ट्रिंग या कोई वैल्यू है, और जिसको आप जैसे लिखोगे वो उसने एज इट इज ही आपको प्रिंट करा के आपके पास शो करा देना। उसके बाद बेटा इसके बाद यहाँ सेमी कोलन आएगा या कोमा आएगा, और कोमा के बाद आपने उसमें अपना वेरिएबल लिखवाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये सेमी कोलन और कोमा जो है, इसका मैं अभी आपको डिफरेंस बताती हूँ कि सेमी कोलन आएगा तो क्या होगा, और इसके एंड पे अगर कोमा आएगा तो क्या होगा। उसके अलावा बेटा दूसरा इसका सिंटेक्स क्या है, कि आप प्रिंट की जगह एक ये करेक्टर है क्वेश्चन मार्क का, आप ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप खाली क्वेश्चन मार्क लगा के आगे सेम लिखेंगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन या जो भी चीज है, तो आपके पास वो सेम चीज एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो है मैंने लिखा प्रिंट, एक स्ट्रिंग पास करानी थी बेटा मैंने, तो मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास वेलकम, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है आपके पास। अब बेटा दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो है जब हम इसको एज अ स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट जो है ऑलवेज प्रिसीड होंगी किससे, हमारे लाइन नंबर के साथ प्रिसीड होंगी। लेकिन जब हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट एज अ कमांड भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसके साथ कोई लाइन नंबर मेंशन नहीं किया, मैं खाली वेलकम लिख के ओके एंटर प्रेस किया, तो देखें वेलकम जो है इस वक्त मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ नजर आ गया। इसके बाद यहाँ मैं कहती हूँ क्वेश्चन मार्क 6/2। अब यहाँ पे भी देखें क्वेश्चन मार्क मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट को, और 6/2 एक मैं फंक्शन परफॉर्म करवा रही हूँ डिवीजन का। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देखें 3 जो है मुझे मेरी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो गया। इनमें से किसी के साथ भी जो है मैंने अपने वो नहीं लगाई, ना तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैंने लाइन नंबर मेंशन नहीं किया। तो ये एज अ कमांड भी आपके पास यूज हो सकती है, यानी अगर आपने इसको प्रोग्राम से हटके भी यूज करना है सिर्फ कुछ एक फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, तो भी आप यूज कर सकती हैं। और दो तरीके हैं, एक प्रिंट का कीवर्ड और एक क्वेश्चन मार्क के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको अब आए बुक से रीड करते हैं आपकी। दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक, यानी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्टेटमेंट है बेसिक में। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर इन बेसिक मेक्स यूज ऑफ इट, लेकिन वो कह रहे हैं कि तकरीबन हर प्रोग्राम जो है बेसिक का उसमें यूज होता है। आपको पता है कि हर प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं, हम उसमें लाजमी इनपुट लेते हैं, और जब हम इनपुट लेते हैं तो डेफिनेटली हमने उसको डेटा को शो भी कराना होता है। तो हम कौन सी स्टेटमेंट के थ्रू शो करा रहे होते हैं, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ शो करा रहे होते हैं।
उसके बाद बेटा ये जो लाइन है ये वैसे आप काट दें, ऑल द प्रोग्राम वी हैव सीन सो फार इन दिस टेक्स्ट हैव यूज्ड इट इन डिफरेंट वेज, ठीक है इसको काट दें आप लोग ये लाइन को। इस लाइन का वैसे ये मतलब है कि हम जो है इसको प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करने के कई तरीके होते हैं। समटाइम्स होता है कि हम उसमें वैल्यूज रखवा देते हैं, और समटाइम्स होता है कि हम स्ट्रिंग की जो वेरिएबल होता है हम उसमें वैल्यू रखवा के उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे होते हैं अपने पास। तो इसको डिफरेंट तरीके हैं वो भी हम सारे देखते हैं। ये वाली लाइन आप लोग कट कर दें, ये आप लोगों ने नहीं करनी ऑल से लेके डिफरेंट वेज तक, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर ऑन अ स्क्रीन, यानी ये टेक्स्ट या नंबर को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। टेक्स्ट जिस तरह अभी मैंने वेलकम लिखा था तो एज इट इज वेलकम मेरे सामने प्रिंट हो गया, नंबर लिखे थे जिस तरह 6 / 2 किया था तो जो है वो मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो गया था। इसके बाद बेटा इसका ये सिंटेक्स आ रहा है आपके पास, सिंटेक्स में आपके पास वो सेम है कि प्रिंट है लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेमी कोलन या कोमा आएगा आपके पास। उसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन मार्क लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेम सेमी कोलन या कोमा आएगा आपके पास, ठीक है। अब आगे इसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या कोई भी न्यूमेरिक या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होगा, जिसने अभी वेलकम दिया था मैंने तो वो एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन था, और न्यूमेरिक में मैंने 6/2 किया था तो वो क्या था मेरे पास एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन था, जिनको हम कोमा स्पेस और सेमी कोलन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इफ वी ओमिट द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन अ ब्लैंक लाइन इज प्रिंटेड, अगर वो कहते हैं कि आप जो है इसके आगे कोई एक्सप्रेशन या कोई चीज नहीं लिखते आप खाली प्रिंट लिख देते हो तो एक ब्लैंक लाइन छोड़ दी जाएगी। जिसने हमने कल जो रीस्टोर स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें हमने जब काम किया था तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी और उसके बाद फिर हमने एक प्रिंट को उसके आगे वेरिएबल्स दिए थे और उसके बाद फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी और उसको हमने खाली छोड़ दिए थे, तो क्या हुआ था कि जो दो लाइनें प्रिंट हो रही थी उनके बीच में क्या आ गई थी एक खाली स्पेस आ गई थी। वी कैन ऑल्सो यूज क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, तो कह रहे हैं कि ये जो है हम क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, दिस विल बिहेव इन अ सेम वे एज द प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव्स। वो कहते हैं कि वो सेम उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से आपका प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव कर रही होती है, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क का भी काम क्या होगा कि वो आपके डेटा को आउटपुट शो कराने के लिए यूज होगा। एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देने लगी हूँ मैम। फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 10 में मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसको मैंने रखवा दिया 2k। अब लाइन नंबर 20 में मैंने एक वेरिएबल लिया बी और इसको इक्वल रखवा दिया ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए का स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है। अब मैंने लाइन नंबर 30 में क्या किया, मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई और मैंने इसमें लिखा कि क्योंकि मैंने स्क्वायर ले रही थी तो मैंने उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दी कि स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जो बेटा ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ पोर्शन है ना ये वाला, ये आपके पास एज इट इज ही प्रिंट होगा। जैसे ही आप इस इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे इक्वल की जगह कोलन लगा दें, जो मर्जी साइन लगा दें, यहाँ पे इन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ जो पोर्शन है ये लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है ये एज इट इज ही शो होगा। इसके बाद मैं सेमी कोलन या कोमा लगाऊंगी और मैंने अब अपनी वैल्यू किसमें ए की वैल्यू स्टोर कराई हुई है बी में, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी बी। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जाऊंगी और मैं अपना प्रोग्राम एंड कर दूंगी, ठीक है। अब जो है बेटा यहाँ पे जो है अब मुझे मेरी ये फॉर एग्जांपल मेरी आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन पे मुझे क्या शो होगा कि जैसे ही मैं अब गया वो उसने लाइन यहाँ से शुरू हुआ लाइन नंबर 10 में क्या पढ़ा हुआ था मेरे पास ए इक्वल था किसके 2 के इक्वल था। बी में गया, बी में उसने क्या देखा कि ए की वैल्यू क्या होगी ए प्लस ए, ये मेमोरी में सारा कुछ स्टोर हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे आया उसने देखा कि प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट में कोटेशन मार्क में क्या लिखा हुआ है स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो फौरन यहाँ पे क्या कर देगा जिस तरह लिखा हुआ है शॉर्ट में लिखा हुआ है कैपिटल वर्डिंग में लिखा हुआ सेम उसी तरह प्रिंट करेगा स्क्वायर इक्वल टू। अब बी में थी वैल्यू, बी में इस वक्त क्या सेव हो चुका हुआ था मेरे पास 4 सेव हो चुका हुआ था, तो उसने बी में क्या मेरे पास सेव करा दिया 4 और स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या दे दी 4 शो करा दी इस तरह से स्क्रीन पे। इसको प्रोग्राम को अब रन भी करके देखते हैं। CLS लाइन नंबर 10 पे हमने क्या लिया था ए को इक्वल किया था हमने 2 के, लाइन नंबर 20 पे हमने एक वेरिएबल लिया बी जिसमें हमने ए की वैल्यू रखवा दी थी ए मल्टीप्लाई बाय ए। लाइन नंबर 30 पे हम गए, हमने क्या कहा कि प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमने कोटेशन मार्क में लिखा कि स्क्वायर जो है उसको प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे देखें मैं कॉलन यूज कर रही तो जिस तरह मैंने कोटेशन मार्क में लिखा है मुझे वही चीज शो होगी। लाइन नंबर 40 पे मैंने इसको क्या कर दिया एंड कर दिया। अब जैसे ही मैं F2 की प्रेस कर
अब जैसे ही F2 की की एडिट कर लेते हैं क्योंकि उसमें रन लिखा गया है साथ, एडिट 40 वो आ गया आपके पास। वहां से आप जो है रन इसको खत्म कर दें, रन को एंटर प्रेस करें और F2 की प्रेस करें, ठीक है। तो जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो मेरे पास क्या आंसर शो हो गया, 4 शो हो गया स्क्वेयर में। अब जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था वो मुझे सेम नजर आ गया और जो V में वैल्यू पड़ी हुई थी वो मेरे पास 4 मेरी स्क्रीन पे शो हो गई। अब बेटा यहाँ पे जो फर्क आ रहा है आपके पास, अब आपने देखना है सेमी कोलन और कोमा में क्या फर्क है आपके पास। बेटा अब यहाँ पे ये है कि जब भी आप एक्सप्रेशन के बाद सेमी कोलन यूज करोगे तो जो आपके पास जिस तरह ये लिखा हुआ था स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो इसके बिल्कुल साथ ही वैल्यू आपको नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप कोमा यूज करोगे तो वो कुछ स्पेस दे के आपको वैल्यू शो कराएगा, ठीक है। यानी आपने अभी देखे इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया था कि प्रिंट किया स्क्वेयर और उसके साथ सेमी कोलन लगाया हुआ था, तो सेमी कोलन ने मुझे वैल्यू क्या यहाँ पे शो करा दी कि ये देखें 4 आ रही है आपके पास। अगर मैं इसी लाइन को एडिट करती हूँ, एडिट लाइन नंबर 30, और मैं इसकी जगह जो है बी की जगह यानी कोमा लगा देती हूँ मैं, और फिर मैं अपना बी एक्सप्रेशन लिखती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, F2 लगाती हूँ, तो अब देखें कि वो मुझे स्क्वेयर की वैल्यू 4 जो है स्पेस के बाद शो होगी। फौरन यहाँ पे मैंने सेमी कोलन लगाया हुआ था तो मुझे साथ ही शो हो गई, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था कोमा लगाया था तो देखे मुझे कितनी स्पेसेस के बाद वो लाइन शो हुई है, ठीक है। तो ये फर्क है बेटा कोमा और सेमी कोलन में कि अगर हम कोमा या सेमी कोलन लगा दें तो क्या होता है। इस पैराग्राफ के ऊपर बेटा जिस तरह लास्ट हमने इनपुट पे दी थी हेडिंग, इस पे भी आप हेडिंग दे दें यूज ऑफ कोमा एंड सेमी कोलन। जल्दी से ये हेडिंग दे दें और इसके बाद ये वाला पैराग्राफ आपने उसमें लिख देना कि क्या यूज है कोमा और सेमी कोलन का। अब देखें वो कहता है कि टू एक्सप्रेशन इन अ प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन एंड द सेकंड एक्सप्रेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। वो कहते हैं कि जैसे ही आप सेमीकोलन लगाएंगे तो बिल्कुल साथ ही जो आपके पास टेक्स्ट होगा दूसरी स्टेटमेंट का वो भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। लेकिन GW बेसिक में अगर आपने लाइंस को डिवाइड करना है तो वो 14 स्पेसेस आपके पास आ जाती हैं। ये आपका MCQ है, आपने याद रखना है कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट में कोमा यूज करते हैं तो हमारे पास कितनी स्पेसेस आ जाती हैं, 14 स्पेसेस तक वो हमें यूज करा देता है, ठीक है। और ये चीज आप यूज करते हैं उसमें सेमीकोलन और कोमा में। अब बेटा ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, इसको पहले समझे, ये करते हैं। फर्स्ट वाली एग्जाम्पल आप करेंगे, सेकेंड वाली आप रहने दें, वो आपने नहीं करनी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम करने लगे हैं, आपने जो है इसको अच्छी तरह से देख लेना है, एक दफा देख लें समझ लें और यही एग्जाम्पल जो है आपने साथ लिखनी है, ठीक है। उन्होंने स्ट्रिंग में लिया, ए स्ट्रिंग में उन्होंने सिंध रखवाया, बी में पंजाब, सी में बलूचिस्तान और डी में NWFP रखवाया और ई में उन्होंने कश्मीर रखवाया हुआ है। ये 5 वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल लिए और हर 5 में उन्होंने वैल्यूज शो करा दी। अब उन्होंने लगाई नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में उन्होंने एक डॉलर के बाद सेमी कोलन लगाया, फिर उन्होंने खाली प्रिंट लगाई। और हम पढ़कर आए कि जब हम खाली प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू एक स्पेस लाइन छोड़ देगा, यानी एक जगह छोड़ देगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 में उन्होंने प्रिंट के बाद क्या लगाया हुआ है, वेरिएबल्स के बाद कोमास एंटर किए हुए, कोमा लगाया और प्रोग्राम एंड कर दिया। तो देखें जब सेमी कोलन लगे थे तो वो आपके पास रन होके वो कट्ठा लिखा हुआ आया, और जब आपके पास कोमास लगे हुए थे तो वो अलग अलग नजर आया। अब इस प्रोग्राम को बेटा रन करके देखते हैं अपने GW बेसिक पे। क्लियर स्क्रीन करते हैं, ऑटो कमांड यूज करते हैं। लाइन नंबर 10 आया, लाइन नंबर 10 में हमने क्या लिखा कि ए डॉलर में इक्वल कर दो, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमने क्या किया अपना, हमने देखा था कि एक लाइन में अगर हमने वेरिएबल देना हो तो भी हम सेमी कोलन यूज करते हैं। उसके बाद हमने बी में क्या दिया अपना, बी डॉलर में इसको हमने इक्वल कर दिया, पंजाब के, फिर सेमी कोलन लगाया, यहाँ पे सी डॉलर में हमने लिख लिया अपना सी डॉलर में इक्वल कर दिया हमने इसको अपने कश्मीर के। मैं इस वक्त सिर्फ ये लिख रही हूँ, कुछ मैं 3 वेरिएबल्स ले रही हूँ, आप भी 3 के साथ इसको 3 में आप इसको जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या लगा देना है, यहाँ पे अपना लाइन खत्म हो गई, अब सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या कराना है, प्रिंट कराना है। सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे इसको यूजिंग सेमी कोलन, उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे यूजिंग कोमा। प्रिंट कराना है बेटा, सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट कराना है, अपना ए डॉलर, इसके बाद मैं लगा दूंगी सेमी कोलन, बी डॉलर, सेमी कोलन, सी डॉलर, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 30 पे मैं खाली प्रिंट लिखूंगी ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए, और लाइन नंबर 40 पे प्रिंट में मैं क्या लगा रही हूँ, आपके कोमा यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया कोमा, बी डॉलर, कोमा, सी डॉलर। इसके बाद लाइन नंबर 50 पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको एंड कर रही हूँ। अब क्योंकि ये मैंने ऑटो कमांड यूज की हुई है, तो ऑटो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगी। जैसे मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, मेरे पास जो है वो ओके का मैसेज शो हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने अब F2 प्रेस किया, यहाँ पे अब हम F2 प्रेस किया तो देखें उससे मुझे क्या कहा कि सिंटेक्स एरर है लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 में क्या सिंटेक्स एरर है कि आपके पास जो लोड हुआ हुआ प्रोग्राम वो उससे उसमें कोई सिंटेक्स आपके पास आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये देखें लाइन नंबर 10 में जो है मेरे पास प्रोग्राम लोड नहीं हुआ हुआ था, जिस वजह से उसने मुझे क्या शो करा दिया, सिंटेक्स एरर को शो करा दिया। यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्या था कि ये जो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके पास स्पेस लाजमी होती है, मैंने स्पेस नहीं दी हुई थी। अब यहाँ पे जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद अब हम लिखेंगे पंजाब, फिर बंद करेंगे, फिर हम लगाएंगे अपना सेमी कोलन, उसके बाद स्पेस, सी डॉलर। बेटा असाइनमेंट के बाद जो है आपने लाजमी स्पेस देके फिर ही अपनी जो स्ट्रिंग है वो पास करनी होती है, कश्मीर। और अब इसको एंटर करेंगे और अब F2 प्रेस करेंगे तो सेम वो एरर अभी भी मुझे, क्योंकि वो मैंने उसमें साथ नहीं लिखा हुआ, इस वजह से वो शो करा रहा है। हम ये प्रोग्राम दोबारा से लिखते हैं और फिर से इसको देख लेते हैं एक दफा। उससे पहले बेटा इसकी मैं अब आपको वो बता दूं, वहां से आपने रीड कर लिया, इसको मैं आपको दोबारा रन करके दिखाती हूँ। उसके बाद बेटा एक हमने कल प्रोग्राम पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हम यूजर से इनपुट ले रहे थे सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस फाइंड करना था, और आपको पता है सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए जो रेडियस होता है वो जरूरी होता है, यानी 2πr होता है हमारे पास वैल्यू। तो वो प्रोग्राम करते हैं जिसमें इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कंबाइन यूज हो रही होती है। यहाँ पे हमने लिखना है अपना CLS किया, क्लियर स्क्रीन की, ऑटो कमांड लिखी, लाइन नंबर में हमने क्या लिखना है अपना रेडियस की वैल्यू लेनी है, हमने इनपुट करना है रेडियस, अब हमने यूजर से लेना। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनपुट अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, उसमें हम लिखेंगे एंटर रेडियस, इसको करेंगे बंद। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ सेमी कोलन लगाते थे, यहाँ कोमा लगाते थे, कोमा लगाएंगे क्योंकि हमने देखा था कि सेमी कोलन से जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क शो होता था, और इसको हम आर में रखवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद लाइन नंबर 20 पे सर्कमफेरेंस को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इक्वल करूंगी कि ये होता है 2π की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 3.14, वो वैल्यू लिखेंगे, और आर जो है मेरे पास जो मैंने इनपुट करना है रेडियस वो लिख दूंगी मैं यहाँ पे, वो वेरिएबल लिख दूंगी, ठीक है, आर वो वेरिएबल लिख दूंगी। मैंने फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, प्रिंट की स्टेटमेंट लगाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी कि सर्कम फेरेंस जो है वो इक्वल है मेरे पास ये, और आगे सेमी कॉलन लगाऊंगी और मैं यहाँ इसको सी में सेव करा दूंगी। लाइन नंबर 40 पे इसको एंड करूंगी, ऑटो कमांड अपनी टर्मिनेट करूंगी और रन करूंगी। अब देखें यहाँ पे वो मैंने इनपुट में क्या लिखा था, एंटर रेडियस, जो मैंने चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी थी वो सेम एज इट इज मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। जैसे ही अब वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है क्या डालना है, रेडियस जो है मैं डाल देती हूँ 3, जैसे, और आप देखें कि कोमा की वजह से क्या है कि वो उसको बिल्कुल साथ नजर आ रहा है। 3 एंटर किया, 3, अब मैं प्रेस करूंगी तो देखें सर्कमफेरेंस मेरे पास 18.84 नजर आ गया। तो ये काम होता है प्रिंट, और अगर इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट आपने इकट्ठी यूज करनी हो। अब जो है आपने
ऐसे ही यूज करनी है अपनी स्टेटमेंट को, और आपने इसी तरह से इसको शो करा देना है। वो जो एग्जांपल है वो मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ करके, उसमें जो एरर आ रहा है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो है अब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें आप लोगों ने जो है इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेनी है। एग्जाम्पल आपने यही वाली करनी है, इसको मैं आपको एक दफा दोबारा रन करके देखती हूँ, अगर कोई एरर, वो एरर को रिजोल्व करती हूँ उसके बाद मैं आपके साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से लर्न करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लर्न करके लिख जरूर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।